क्या नाम है आपकी शॉप का? संजीव प्रकाशन की शॉप के अंदर 30-40 मुस्लिमों के लड़के यहाँ पे आके इस्लामिक जो बोर्ड की किताब के अंदर दिया गया है। हाँ बताइए, आप बताइए पूरी बात क्या थी। पूरी बात ये थी कि हमारी एक राजनीति विज्ञान की किताब रक्षा बारह की, उसमें इस्लामिक आतंकवाद पे एक क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ था जो कि बोर्ड की किताब से लिया गया था। बिल्कुल, उस पर उनको आपत्ति थी और पिछले 4-5 दिनों से वो उस पर विरोध कर रहे थे। फोन आ रहे थे हमारे पास धमकी भरे कि भाई आप ये कैसे छाप दिया, कहां से उठाया। हमने उनको समझाया कि बोर्ड की किताब से लेते हैं, हम अपने मन से थोड़ी देखते हैं, लेकिन बोले इसको हटा दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी वर्ग विशेष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी ऊपर कोई ब्लेम नहीं डालना है। तो हमने वो मार्केट में जो अवेलेबल थी हमारे स्टॉक को हमने रद्दी कर दिया और एक लिखित में दे दिया कि ठीक है गलती से हो गया है, हम इसको हटा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फोन आने बंद नहीं हो रहे, नई नई जगह से फोन आ रहे थे और धमकी भरे कॉल आ रहे थे। और आज जो है 3 बजे ये घटना हुई है। कितनी संख्या थी उन लड़कों की? करीब 30-40 लोग थे मुसलमान हो गए। हाँ, 10-12 लोग इसमें प्रवेश करे थे, बाकी 10-12 लोग नीचे थे, बाहर गेट पे थे। गेट को भी उस समय हमारी सुरक्षा में 3-4 लोग पुलिस वाले भी थे जो हमारी सुरक्षा में यहाँ बैठे हुए थे, उनको भी धक्का मुक्की देके उन्होंने भगा दिया, साइड में कर दिया। और ये इस तरीके का उन्होंने हमला किया। यहाँ पर जो भी आप पूरी ये देखिए कि कुल मिला के उन्होंने तोड़फोड़ किस प्रकार से किया मुसलमानों ने। इतना मोटा शीशा है, देखो अगर ये बोर्ड की किताब में लिखा हुआ गया है कि कहने का मतलब कि आतंकवाद का ताल्लुक इस्लाम से है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आतंकवादी आज तक कभी कोई हिंदू हुआ है क्या? कभी कोई बौद्ध या कोई सिख हुआ है? जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा गया उसका ताल्लुक इस्लाम से है, यह मैं कहता हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रखंड सहायक गिरधर नायक, जो भी आतंकवाद का जो ताल्लुक है जो बोर्ड के किताब के अंदर दिया गया है वो सही है, इसमें गलत क्या है? इसके अंदर ये भाई साहब क्या कर सकते हैं? अगर ये राजनीतिक ताल्लुक से अगर जिस किताब के अंदर जो छपा गया है तो इसमें इनकी क्या गलती है? ये देखिए आप, चौड़ा रास्ता जयपुर के अंदर संगीत, क्या नाम है, संजीव प्रकाशन के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने तोड़फोड़ की है,